हेलो एवरीवन, आज मैं और मेरी मम्मी मिलके आलू के पराठे बना रहे थे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश आ रही थी। तो सबसे पहले बारिश के दिनों में आलू के पराठे बनते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन ज़रूर करता है, तो या तो आलू के पराठे बनाए जाते हैं या फिर पकौड़े। तो एक बार ये आलू के पराठे ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले अपन इसका एक टेस्टी सा मसाला बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन 4 से 5 आलू उबालेंगे। मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से आलू लिए है। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं। जब तक अपने आलू उबलेंगे अपन और तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर आपको हरी मिर्च और लहसुन थोड़े मोटे चाहिए तो आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज भी चॉपर से ही चॉप किया है, लेकिन मैंने प्याज को थोड़ा मोटा रखा है, उसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। मैं यहाँ पे आलू के पराठे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाली है। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो आप सिर्फ हरी मिर्च और कुछ मसाले डाल सकते हैं। फिर अपन सारे मसालों को एक जगह कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने सौंफ और मोटा वाला धनिया लिया है। अगर आपने साबुत धनिया लिया है तो आप धनिया पाउडर स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ही डाले हैं और मैंने यहाँ पे जीरा भी डाला है। अगर आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। आलू के पराठे में सौंफ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसमें आप सौंफ जरूर डालें। और आलू थोड़े मीठे मीठे लगते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इस सारे मसाले को अपन अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद अपन आलू छीलेंगे। आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप उसको थोड़ी देर ठंडी हवा में भी रख सकते हैं। मैं और मम्मी मिलके आलू छील रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है तो मम्मी ही ज़्यादातर ये ऐसे काम करती है। जब सारे आलू छिल जाएंगे तो जो मसाला अपन ने बना के रखा था वो आलुओं में मिला लेंगे। और अगर आलू गर्म है तो वो मसाले नहीं मिलाए क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देता है। तो जब आलू ठंडे हो जाए तभी मसाले मिलाए। देखिए आपका आलू का मसाला बनके कितना अच्छा तैयार हुआ है। और साइड में मम्मी ने भी आटा लगा के तैयार कर दिया था, तो इसका थोड़ा आटा टाइट नहीं रहता है। अगर आप टाइट आटा लगाते हैं तो आलू का मसाला बाहर निकलता है। और लास्ट में जब पराठे बनाने की बारी आई तो लाइट चली गई थी। फिर मम्मी ने बोला कि वो चूल्हे पर बना लेगी पराठे और मैं वीडियो बना लूँ। तो ये मम्मी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आलू की फिलिंग करके पराठा बेला। और मम्मी काफ़ी अच्छे पराठे बनाती है तो मम्मी ने ही पराठे बनाए थे। जब आप पराठे बेल रहे हो तो ध्यान रहे कि आप उस पर ज़्यादा दबाव ना डालें वरना मसाला बाहर निकल जाएगा। फिर पराठों पर तेल या घी लगा के सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लगाया है और देखिए पराठे कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। और आलू के पराठे अगर आप नींबू के अचार के साथ खाते हो तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।